अफ्रीकी देशों ने नाइजर में विद्रोहियों को एक हफ्ते में लोकतंत्र बहाल करने की चेतावनी दे दी। पिछले हफ्ते नाइजर में सेना ने बगावत कर दी और राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को बंधक बनाकर देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। और इसी मुद्दे ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि उनके पड़ोसी देश नाइजर में सेना ने तख्ता पलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस बीच नाइजीरिया में पश्चिमी अफ्रीकी देशों की एक आपात बैठक हुई, जिसमें नाइजर में विद्रोहियों को एक हफ्ते की मोहलत दी गई। ये वक्त उन्हें नाइजर में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए दिया गया। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि नाइजर की सेना ने अगर उनकी बात नहीं मानी तो उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मतलब है कि ये देश मिलकर नाइजर पर हमला करने जैसा कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि तख्ता पलट के बाद से ही नाइजर पर कई देशों ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। इस बीच दूतावास पर हमले के बाद फ्रांस ने नाइजर से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया और एक दिन पहले नाइजर की राजधानी नियामे में मौजूद फ्रांस के दूतावास पर वहां की सेना के सैकड़ों समर्थकों ने हमला बोल दिया, जिससे फ्रांस के दूतावास को भारी नुकसान पहुंचा। क्योंकि नाइजर की सेना का समर्थन कर रहे लोगों ने न सिर्फ वहां जमकर पथराव किया बल्कि पत्थरबाजी के साथ आग भी लगा दी। इसके साथ ही हंगामा करने वालों ने वहां फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी भी की। एक दिन पहले मचे इस बवाल के बाद फ्रांस ने नाइजर से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया। फ्रांस को डर है कि नाइजर में फैली हिंसा की चपेट में उसके नागरिक भी आ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि नाइजर पर 1960 तक फ्रांस का ही शासन था और अब भी वहां उसके हजारों सैनिक मौजूद हैं, जिनके खिलाफ वहां के लोगों ने सेना के साथ मिलकर विद्रोह शुरू कर दिया। यही नहीं, वहां के ज्यादातर लोग नजरबंद किए गए राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को अमेरिका का समर्थन करने वाला भी मानते हैं। उधर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सेना और वहां के विद्रोही गुटों के बीच भीषण लड़ाई हो गई, जिसमें कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई। और खूनी संघर्ष कोलंबिया के काउका प्रांत में अलग अलग इलाकों में हुआ। कोलंबिया की सेना के मुताबिक उनके सैनिकों ने FARC यानी रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया नाम के एक विद्रोही गुट के 12 लड़ाकों को मार गिराया। कोलंबिया की सरकार ने FARC के साथ साल 2016 में शांति समझौता किया था, लेकिन उसके लड़ाकों ने एक बार फिर विद्रोह की आग भड़का दी। कोलंबिया की सेना के मुताबिक FARC के अलावा काउका प्रांत में क्लैन डेल गोल्फो नाम के एक आपराधिक गिरोह ने भी कोलंबियाई सैनिकों पर हमला बोल दिया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में कोलंबिया के जवानों ने उस गिरोह के 7 सदस्यों को ढेर कर दिया।